मोदीमय है, राममय है, मोदीमय है। मैंने आज का अपने नेता आदरणीय श्री जीतन मांझी जी के लिए वोट मांगने का काम रसलपुर गांव से शुरू किया। मैं रसलपुर गांव में था ही कि दल बल सहित जदयू के प्रवक्ता और MLC संजय सिंह जी वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम लोग दोनों फिर साथ हो गए और साथ साथ चलने लगे। चलते हुए हम लोग विभिन्न गांव का दौरा किया। वहां से हम लोग सिंगठिया गए, सहिया गए, मलठिया गए, एरू गए, बवंडी गए, सेलवे गए, पहाड़पुर गए, भदान गए, अमरा गए, इचाई गए, कोलना गए। इन सारे गांव का आज दिन भर का दौरा रहा। कार्यालय वजीरगंज में हम लोग का खाना पीना हुआ सारे साथियों के साथ में। आपको पता है कि कल हमारे माननीय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है गांधी मैदान गया में। तो हम लोग अपने वोट मांगने के साथ साथ इस बात की भी लोगों से चर्चा किए कि भारी से भारी संख्या में गांधी मैदान आना है गया में। लोग इतने उत्सुक थे कि उन्होंने पूछा कि कितने बजे आएंगे, क्योंकि वो समय से पहुंच जाते हैं, 10 बजे का समय है, 10 बजे गांधी मैदान में बस पहुंच जाएंगे। तो सारे लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे गांव के लोग पुरुष महिला सभी जुटेंगे। अब सब आकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण हम लोग सुनेंगे। सर, क्या लग रहा है अब चुनाव प्रचार का आखिरी, मतलब कह सकते हैं कि समय भी बीत रहा है, ऐसे में अब क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। जिन जिन जगहों पर हम लोग भ्रमण किए, हमने आपको बताया कि हमारे साथ संजय सिंह जी भी थे, जहां जहां हम लोग गए कहीं से एक भी व्यक्ति कोई विरोध में नहीं बोल रहा था। और सबने कहा कि मांझी जी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, अच्छे चरित्र के आदमी हैं, वो तो हैं ही, साथ ही साथ हम लोग तो वोट नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। आज भारत को चमकाने में, भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना श्रम लगाया है, जो दिन रात मेहनत करके सारे भारतवासियों के लिए जो काम कर रहे हैं, आखिर अगर उनको हम वोट नहीं देते हैं, उनको हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर किसको बनाएंगे? फिर मेरा भारत पीछे चला जाएगा। आज से आप जानते हैं कि भारत जो है उसको किस तरह से लोग किस दृष्टि से पहले देखते थे दूसरे देशों में, और आज भारत की स्थिति क्या है सबसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कहीं वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लोग स्वतः कहते थे कि हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कोई व्यक्ति आए, नहीं भी आइएगा तभी वोट दूंगा। मतलब मोदीमय हो चुका है, मोदीमय है, मोदीमय है, राममय है, मोदीमय है। मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि हम लोग इतना दिन राजनीतिक कार्यकर्ता हम हैं, इतना दिन काम किया है राजनीति में, इस तरह का माहौल कभी देखने को नहीं मिला। इसलिए लगता है कि इस बार 400 पार होना ही है किसी भी कीमत पर।